नमस्कार, देसी कुकिंग शो में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। सुबह सुबह घर के काम के भागदौड़ के बीच में हमें बच्चों को भी स्कूल तैयार करके भेजना होता है, ऑफिस के लिए टिफ़िन बनाना होता है, घर के लिए नाश्ता बनाना होता है, बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है। तो ऐसे में लगता है कोई ऐसा नाश्ता हो जो फटाफट बन के तैयार हो जाए और खाने में भी टेस्टी हो। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही नाश्ता लेके आई हूँ जो खाने में तो बहुत ही टेस्टी है और बन के भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक बोल लिया है, इसमें ये 1 कप सूजी डालेंगे और इसके साथ ही इसमें 2/3 कप यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें दही डालेंगे। ये 1/4 कप 1 कप से थोड़ा सा कम दही है, ये घर का ही ताज़ा दही है। इसको लिया, इसको डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ये 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है, स्वाद के अनुसार डाल दें। उसके साथ ही बहुत थोड़ा सा तेल, 1 टीस्पून के करीब इसमें तेल डाल देंगे और अब इसको धीरे धीरे से चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी पड़ेगा अभी और इसको जैसे इडली का डो होता है बस उस कंसिस्टेंसी का इसको बनाएंगे। अगर बारीक सूजी है तो आप इसको तुरंत बना सकते हैं, अगर थोड़ी सी मोटी सूजी है तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना पड़ेगा। गैस पर एक तवा चढ़ाएंगे नॉन स्टिक और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। जीरा फ्राई होने के बाद ये मैंने एक प्याज लिया था, उसको बारीक काट लिया, उसको डाल देते हैं। हरी मिर्च है उसको भी डाल देंगे इसमें। दो 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, उसको भी इसके साथ डाल के उसको भी भून लेते हैं। ये थोड़े से सॉफ्ट हो गया, अभी थोड़े सॉफ्ट हो गए, अब इसमें टमाटर डाल देते हैं। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, इसे टमाटर भी दिल के पीते हैं और इसको थोड़ा नमक डाल दें। इसको अभी टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब में सांभर मसाला, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। एक बार बना के देखिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। अगर आपके पास सांभर मसाला ना हो तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन सांभर मसाले का जो टेस्ट है वो एकदम अलग ही है। इस मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि अभी और पकेगा। तो बस मसाला अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। अपना इडली का बैटर देख लेते हैं कैसा हुआ। ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इसकी। अब इसमें डालेंगे ये फ्लोर सॉल्ट, इसको डाल देंगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। और इस मसाले को इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, बराबर हिस्सों में। तो इस तरीके से एक साथ ही हमारी 4 इडली बनके तैयार हो जाएंगी। ये जो बैटर बनाया था हमने, इसको इस पर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से। बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, बहुत पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ही सांभर मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको एक बर्तन से ऐसे ढक देंगे ताकि स्टीम से फटाफट पक जाएगा।
दो मिनट बाद इसको खोल के देखेंगे। इस पर ये थोड़ा थोड़ा सा बटर रख देंगे, बनके तैयार हो गया, बस सर्व करने के लिए तैयार है। गर्मा गर्म नारियल की चटनी या हरी चटनी या टमाटो केचप किसी के साथ भी इसको सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर बना के देखें इस तरीके से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कमेंट में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी।